हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हो गई है दिन की नई शुरुआत। और देखिए, इंशा सरसों की भाजी तोड़ रही हैं। तोड़ो, ये देखिए खेत में जाके सरसों की भाजी तोड़ के ला रही हैं इंशा। छोटी छोटी तोड़, ये देखिए छोटी नहीं दिख रही है। हाँ, इंशा छोटी छोटी तोड़ लो। सरसों की भाजी अब हम लोग पकाएंगे। बहुत मजे की लगती है सरसों की भाजी। आज हम बनाएंगे सरसों की भाजी और मक्के की रोटी। फुल एंजॉय हो रहा है यहाँ पर। देसी खाना बनेगा आज। देसी देखो, तो ही पंजाबी सॉन्ग गाने लगे, फौरन पंजाब की याद आ गई उन्हें। ये यशु खुराफाती करते हुए बस ये इनको तोड़ा फोड़ी करते, बस ये तोड़ा फोड़ी काटा पीटी इनका यही काम है। पता नहीं क्या मसला क्या है। इनसे गाना भी गाओ, गाना गा गा के तोड़ो। कितना मजा आ रहा है इंशा को तोड़ने में। नहीं आ रहा। वाह, खाऊंगी तो मैं कतई ही नहीं इसे। अच्छा, अब पकाएंगे तो खाना पड़ेगी। अच्छी लगती है, खा के देखना। कितना मजा आ रहा है इंशा को। ये कहाँ जा रहे हो? और तोड़ो, वो भी तो है। इतनी और अब मम्मी यहाँ भाजी तोड़ रही हैं, उसमें से साफ साफ निकाल रही हैं। वैसे तो मैं अच्छी तोड़ कर लाई हूँ, है ना? हाँ, तुम लाई हो सही तोड़ के, वो नहीं लेकर आए थे सही। ये पहले जिनसे तोड़वाई थी वो लेकर आए थे बड़े बड़े पत्ते, फिर हम लोगों ने यहाँ छोटी छोटी तोड़ी। तो अब ये बनेगी सरसों की भाजी और मक्के की रोटी। मैं और तोहित भाई तो खाएंगे नहीं, बाकी देखा जाएगा। तोहित भाई खाने में इंटरेस्टेड हैं आप? खाना पड़ेगी। अब बन रही है तो खाना पड़ेगी। नहीं हो पाएगा हमसे, हो ही नहीं पाएगा हमसे, नहीं हो पाएगा। टेस्ट तो करना अच्छी लगती है। नहीं, टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे ये सब चीजें। हमें हरी वाली वैसे भी नहीं अच्छी लगती। हरी वाली चीज अच्छी नहीं लगती। क्या कर रहे हो ये? अभी तो ऐसे हो रहा, कीकड़िया कीकड़िया। व्हाट इज कीकड़िया? अभी मैंने सरसों की भाजी को थोड़ा उबाल लिया है। उबालने के बाद अब इसको मैं पका रही हूँ। अभी मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी ये कैसे बनती है, तो अम्मी ने बताया कि थोड़ी सी प्याज काट के और लहसुन का बघार डाल के, प्याज तल के, मिर्ची तल के, फिर इसको पकाना। ये बहुत मज़े की बनेगी। उबलने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गई है। उबालने से अम्मी बता रही थी कि फिर थोड़ी कड़वी कड़वी सी नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी, टेस्ट अच्छा आएगा। इस वजह से इसको उबाला है। और अभी प्याज तल रही है। या वोल्टेज की परेशानी है, इस वजह से हीटर बहुत मंदा मंदा जल रहा है। धीरे धीरे हो रही है प्याज। अभी हम बाहर चलते हैं। बस यहाँ अंदर बैठने का बिल्कुल मन नहीं करता, ऐसा लगता है बस यहाँ बाहर ही बाहर घूमो। ये देखिए ट्विंस जोड़ी आ रही है, इनको सब जुड़वा भाई बहन बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों इसी तरह से रहते हैं हमेशा, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह। ये देखो
मस्ती है इन लोगों की। ये देखिए, जो भी देखता है वो यही बोलता है कि ये जुड़वा भाई बहन है। इन दोनों की बिल्कुल हरकतें सिमिलर हैं, बिल्कुल एक से ही रहते हैं ये दोनों। दोनों की पागलपंती देखने लायक है, ये सही है। देखिए आप देखिए, यहाँ इकट्ठा हर जगह एक साथ खड़े होना है, हर जगह एक साथ मस्ती करना है। ये देखिए स्कॉलरशिप मिल गई मुझे। अरे ये खोलो स्कॉलरशिप मुझे बहुत अच्छे। फिर जा रहे हैं, उनको एक मिनट सुकून नहीं है। वेडनेसडे को लगता है मीन क्या बबलू चाचा से पूछ रहे थे। आज हम लोग जा रहे हैं बड़े कुएं पे देखने के लिए, कल छोटे कुएं पे गए थे, आज बड़े कुएं पे जाएंगे। ला बहुत दूर है, रास्ता चलते बन नहीं रहा, बहुत खतरनाक पैरों में दर्द हो रहा है। अभी तो ये छोटा वाला कुआ आ गया है यहाँ पर। पानी चल रहा है, देखो मजाक नहीं करो बेटा, गिर मत जाना। ये छोटा वाला कुआ है, कल आए थे हमने आपको दिखाया था, ये पानी चल रहा है इसमें। क्या लगाएगी तेवड़ा? यहाँ लगी थी मसूर की दाल, अब आगे लगा हुआ है तेवड़ा। तेवड़ा को कुछ और भी कहते होंगे ना, उस तरफ चलो, उस तरफ से ले ले तो इधर आओ। गीली है तो नहीं होगी, गीली है। अरे नहीं यार इतनी गीली नहीं है, दिख रही है नहीं, हम लोग कल गए थे ना। ठीक है अपन बीच में देख लेंगे, बीच में दिख रहा है, ऊपर सीधे चढ़ा है नाले पे। पूरा सूखा पड़ा हुआ है, ज़्यादा सूखे हाँ बस कुछ ना कुछ दिक्कत होना चाहिए यश को। आने वाला है बड़ा कुआ। यहाँ हम आके आए हैं एक और कुआ देखने, तो ये इतना ज्यादा गहरा नहीं है। अभी पानी इसमें कम ही है और हम लोग काफी दूर आ चुके हैं। बोरा कुआं हम लोग का वो वाला छोटा,
घर वो है इतना दूर, यहाँ आ गए सब। तो ईद भाई जा रहे हैं दूसरी तरफ, वहाँ सरसों के फूल लगे हैं इतने प्यारे, वहाँ पे फोटो खींचेंगे थोड़े बहुत। ओ यहाँ पे देखो ये काय के फूल हैं। अच्छा ये धनिया है, धनिया कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। वाओ वहाँ लगी है सरसों, यहाँ पे हरा धनिया लग रहा है कितना सारा, कितने अच्छे लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में। इसे लाइन से लगा दिए एक तरफ, यहाँ पे ये लगा हुआ। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं सरसों के पास, कह रहे हैं कि वहाँ पे फोटो खींचने आने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे जो है फोटो खिंचवा लिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं फ्लावर्स छोटे छोटे, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस।